हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 11 क्लास 12 फिजिक्स ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर बड़ा इजी है बच्चों, बहुत ही आसान है। इसका पूरा थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने कर रखा है, वीडियोस बन रखा है, उसका मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और पेन पेपर लेके जरूर नोट करना। आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। 30 किलो वोल्ट, राइट? ये कौन सा आपको पता लग रहा है कि क्या है ये 30 किलो वोल्ट? स्टॉपिंग पोटेंशियल, इतने वोल्टेज से प्रोड्यूस किया गया है एक्स रेज। तो जब आपको वोल्टेज दिया गया हो तो एक्चुअली होता क्या है कि किसी मैटर को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ इफ एक्स रेज प्रोड्यूस बाय 30 किलो वोल्ट। तो ये वोल्टेज है बेसिकली। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वोल्टेज इनटू चार्ज, ये तो होता है। तो 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ बोल रहा गया निकालने के लिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, जब आप किसी को वोल्टेज देते हो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था, ये वोल्टेज है लैम्डा, इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू 6.65 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। यह वैल्यूज को याद कर लो, ये एंगस्ट्रॉम में आता है, 6.65 इंटू 10 टू पावर एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर माइनस 10 डिवाइड बाय वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6.65 अंडर रूट ऑफ 30,000 है ये, तो आप क्या लिखोगे 30 इंटू 1000, एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 10 ये मीटर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1000 10 टू पावर 4 बन गया, तो 40 होता है, दैट मीन्स 10 टू द पावर 4। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे 3 इंटू 10 टू द पावर 4, ये लगाओगे। तो रूट के अंदर से जब पावर बाहर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 6.65 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 अपॉन 10 टू पावर 2 अंडर रूट ऑफ 3, दिस इज योर मीटर, दिस इज योर मीटर। तो 10 टू पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 12 हो जाएगा। तो रूट 3 को हम लोग 1.73 लिखते हैं ना, तो आप रूट 3 से रेसराइज कर दो, रूट 3 बाई रूट 3, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 3, 3, ये टोटल आपको 3 मिल जाएगा 3, तो 3 2 6 2.22 रूट 3 मिल गया आपको इंटू 10 टू पावर माइनस 12। तो एग्जैक्ट आंसर कितना हुआ, 2.22 इंटू रूट 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1.73 वैल्यू होती है, ये लैम्डा आपको मिल चुका है। अब हम जो फॉर्मूला लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, सी सी मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा हो गया 2.22 इंटू रूट 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, ये मिल गया आपको। यहाँ भी आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, रूट 3 बाय रूट 3, तो रूट 3 3 ये 3 कट गया आपका, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 10 टू द पावर 12 प्लस 8 10 टू द पावर 20 हो गया अपॉन 2.22 हो गया इंटू रूट 3 सेकेंड इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया। आप यहाँ डिवाइड कर सकते हो 1.73 से डिवाइड बाई 2.2, तो दोनों चीज़ें आपको मिल चुकी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11.2 है ये, वर्क फंक्शन ऑफ सीसीएम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन आपको गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, फोटो इमिशन इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आप लिखोगे पहले ये वाला,
वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है बेसिक वाला। वर्क फंक्शन गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन एंड लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सर्फेस। तो यहाँ पर क्या है कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो ये होती है एनर्जी ऑफ फोटोन, जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ना एचवी, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6.634 × 10⁻³⁴। मैं लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 × 10⁻¹⁴ है, ठीक है। वर्क फंक्शन गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 × 1.6 × 10⁻¹⁹, ये है आपके पास। यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही होता है मैक्सिमम, ठीक है। इसको आप लेफ्ट साइड ले आओगे और कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ा आसान है ये। कैलकुलेशन करना अगर कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी कैलकुलेशंस कर सकता है। तो अगर आप इसको निपटा दोगे, पहले एच इंटू फ्रिक्वेंसी जो गिवन है, तो 6.6 ही आप रखो इसको, 6.6 × 6 39.6 × 10⁻¹⁴, ये 14 है, और ये आपको बनेगा −20, ठीक है। माइनस कर देंगे इसके साथ 2.14 × 1.6 × 10⁻¹⁹, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स, दिस वन। तो 10⁻¹⁹ आप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3.96 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो आप 2.14 × 1.6, तो ये हो जाएगा 3.42 आप ले लो, ठीक है। तो 3.96 में 3.42 चला गया, तो 5.4 बचेगा, तो आपको जो आंसर मिला 0.54 × 10⁻¹⁹ जूल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है ना बच्चों। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फाइंड करनी है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन भी फाइंड करनी है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल चुका है, ठीक है। ये आपको काइनेटिक एनर्जी मिला, दूसरा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप निकाल लोगे, जब काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो हमारे को फॉर्मूला तो मालूम है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के आ चुका है 0.54 × 10⁻¹⁹, ये वोल्टेज है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मिल जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 0.5 / 1.6 वोल्ट, दिस इज योर वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम स्पीड आपको यहाँ से मिलने वाला है, के को आप क्या लिखोगे, के को हाफ एमवी स्क्वायर लिखोगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे को मालूम है 9.1 × 10⁻³⁹ kg, तो मास की वैल्यू डाल दोगे आपको यहाँ से वेलोसिटी, आपको यहाँ से वेलोसिटी मिलने वाला है, ठीक है। मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, आप तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास है 0.54 × 10⁻¹⁹, दिस इज, इस टू को आप इधर ले आओ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, ये वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, तो इसको आप रूट ले लोगे, दिस इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन, ठीक है ना, ये आपको मिल गया। इसको फर्दर देखो 9.1 को आप 9 लेके भी आप काम कर सकते हो, अप्रॉक्स में आप आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर −31 को ऊपर ले जाओ, 9.1 को मैं 9 ले रहा हूँ, तो 3 बार मिलेगा और ये आपको मिलेगा 10⁻¹⁰, 12 तो 10⁻¹⁶ बाहर आ जाएगा ये, ठीक है, बाहर आ गया ये, 9 का रूट भी बाहर आ गया। 0.54 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा, तो अप्रॉक्स आपको ये मिल गया आंसर 1/3, दिस इज मीटर पर सेकेंड। 1/3 का मतलब हो गया 0.33 × 10⁻¹⁶ मीटर पर सेकेंड, ये आपको मिल गया। तो सारी चीज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
ठीक है, ट्राई करें। हमारे को बोला गया है दी फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज मीन्स वही स्टॉपिंग पोटेंशियल, पुराना वाला चीज, इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो हमारे को वी नॉट इज गिवन है 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, कट ऑफ वोल्टेज आपको पता है, तो के क्या लिखते हैं, के लिखते हैं वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज इनटू चार्ज के, ठीक है। अब किसी इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज ले लेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे 1.5। इलेक्ट्रॉन की चार्ज आप नहीं डालना चाहते हो तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज यहाँ डाल देते हो तो आपको जूल में मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी नहीं करना है इसमें। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है 11.4, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स ऐसा लाइट जिसकी वेवलेंथ सिंगल हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.96 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस बाय हेलियम नियॉन लेजर, द पावर इमिटेड इज 9.42 मिली वॉट। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम, ईच फोटोन, हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट अ टारगेट इज रेडिएटेड बाय दिस बीम, एज्यूम द बीम टू हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन व्हिच इज लेस देन द टारगेट एरिया, एंड हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू टर्न इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। चलो ट्राई करते हैं बच्चों, फाइंड द एनर्जी। सबसे पहले बात, ये जो पावर होता है ना बेटे, ये एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना, एक फोटोन की एनर्जी, अगर एन फोटोन है तो एन से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। ईच फोटोन की एनर्जी चाहिए, एन आपको वन लेना पड़ेगा। पावर कितना है 9.42 मिली वॉट, यानी कि 10 to the power -3, ये है ई बाई टी। मोनोक्रोमेटिक लाइट में लैम्डा ही गिवन है, लैम्डा, ठीक है ना। तो लैम्डा तो ऐसे निकाल लेंगे, कुछ एनर्जी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू व्हाट, एच सी बाई लैम्डा। एच सी की वैल्यू ना याद ही कर लो, इससे बड़ा काम का चीज है। देखो एच तो फिक्स होता है 6.634 × 10⁻³, और सी भी तो फिक्स है, क्या फिक्स है, 3 × 10⁸। लैम्डा क्या हो जाएगा 632.8 नैनोमीटर। दिस वन यहां से आप निकाल लोगे एनर्जी, कर ले -9 ऊपर जाएगा तो +8 के साथ 17 बना दो, राइट, इसके साथ गया तो 17 बन गया, -34 + 17 -17 बचा, 10⁻¹⁷ बचा। अब इसके साथ ये कट सकता है, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, ठीक है, कट गया, और ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 × 10.1, राइट, ऐसा कुछ आएगा, या और भी एक्यूरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, और 0.6 करते हैं, 6 कर देते हैं, ठीक है, ठीक, 210.6। तो मेरे पास बच गया 6.6 ले लो इसको, और ये हो जाएगा 210.6 इनटू दिस, ये चीज बच रही है मेरे पास, इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 66/2106, ठीक है, तो यहाँ 00 लगा दो और यहाँ 10⁻¹⁹ कर दो, और 6600 है नीचे में, 2106 है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई, 6 से करते हैं, 5 से करते हैं, 3 से, 3 से कर देते हैं, 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 6318, 3.1 ले लो आप इसको, 3.1 हो जाएगा × 10⁻¹⁹, दैट्स इट। इससे अप्रॉक्सीमेट में, ये अप्रॉक्सीमेट में आंसर है, लेकिन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 3.1 × 10⁻¹⁹, ये आपको एनर्जी मिल गया, ठीक है, ये एनर्जी मिल गया 3.1 × 10⁻¹⁹। आगे बोला गया मोमेंटम फाइंड कीजिए, मोमेंटम, तो मोमेंटम तो डी ब्रॉगली है हमारे पास, डी ब्रॉगली क्या बोलता है, डी ब्रॉगली बोलता है मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। एच मेरे पास कितना है, फिक्स है, एच इज फिक्स्ड, कितना है एच,
6.6 into 10 to the power minus 34. Wavelength be given as 632. 632.8 into 10 to the power minus 9. बस तो सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है और क्या है इसमें फॉर्मूले में डाल दे कैलकुलेट करते रहिए करते रहिए. इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं. इसलिए चैप्टर को बोलते हैं ना एकदम इजी में फ्री में मार्क्स मिलता है. 66 upon 6328 into 10 to the power minus 25. अब इसको कैलकुलेट करिए भैया यही सब काम है इस चैप्टर में ठीक है ना. तो आपको मिल गया मोमेंटम. How many photon per second on the average arrive at the target irradiated by this beam? How many photon per second? Number मांग रहा आपसे. ये आप कर लेना calculate, ठीक है ना? दिमाग का दे हो जाता है calculate करने में. तो ये क्या करें बच्चे करना एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा. How many photons per second on the average? अब लिखो कि power n times e by t. Power is equal to n times e by t. तो power क्या है मेरे पास 9.42 into 10 to the power minus 3. N by T we have to find. और एनर्जी हमने अभी अभी फाइंड किया था ना 3.1 10 to the power minus 19. So N by T into 3.1 10 to the power minus 19. This one. इस चीज का आप नीचे ले आओ. तो 9.42 है upon 3.1 है. This one. ठीक है ना. माइनस 19 ऊपर गया तो 16 बन चुका है. ये इसको थोड़ा आप सावधानी से काट दो. 3 के अप्रॉक्स आंसर मिल जाएगा ठीक है. 3 तो आपको जो आंसर मिलेगा 3 into 10 to the power 6 फोटोन पर सेकंड. इतना फोटोन पर सेकंड निकलेगा ठीक है ना फोटोन से. बढ़िया ना. हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल हाउ फास्ट वेलोसिटी इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम as that of the photon. Photon का momentum p1, hydrogen का momentum ph, दोनों को equate कर दे. Velocity की बात चल रही है तो momentum क्या होता है h by lambda of hydrogen. यानी दोनों के lambda को same होना पड़ेगा. Momentum h by lambda, same momentum और वेलोसिटी की बात हुई तो हमें यहाँ पर ना वो मास इनटू वेलोसिटी वाला ही लगाना पड़ेगा ठीक है. मास इनटू वेलोसिटी तो आप क्या करोगे मोमेंटम को इक्वेट करोगे तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन. प्रोटॉन का मोमेंटम मास ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम. मास ऑफ हाइड्रोजन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन. ये करना पड़ेगा ठीक है ना. ये करना पड़ेगा तो मास ऑफ प्रोटॉन तो हमारे को मालूम है. इलेक्ट्रॉन का मास याद है ना उसमें 2000 टाइम मल्टीप्लाई कर दो. वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ हाइड्रोजन और चाहिए वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन सॉरी बच्चों यहाँ पे बोला गया कि हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन चाहिए. मोमेंटम का फायदा उठा लेते हैं क्योंकि कह रहा है सेम मोमेंटम. तो मोमेंटम हमने एक्चुअली यहाँ निकाल के रखा हुआ है ना. ये मोमेंटम तो निकाल के रखा हुआ है. मोमेंटम अपॉन मास वेलोसिटी तो होता है तो इसका फायदा उठा लेते हैं डायरेक्ट क्यों अलग से कैलकुलेट करें. मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी और ये मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है 66. इसको कैलकुलेट कर लेना पूरा आपको करना पड़ेगा. मास ऑफ हाइड्रोजन पता होना ये गिवन होता है एक्चुअली. इसमें जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो मास सबका गिवन होगा. प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन जो भी मास आपको गिवन है ये होता है 1.6 into 10 to the power minus 27 into आ जाएगा वेलोसिटी. तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो है ना. यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो. बड़ा लल्लू क्वेश्चन है. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5. The energy flux of sunlight reaching the surface of the earth is 1.388 into 10 to the power 3 vapor per meter square. क्या ये energy flux of sunlight है? Energy flux मतलब ये होता है power upon area. Power है देखो W लिखा है watt. Watt upon meter square. Meter square means area. Power upon area flux बोल सकते हैं इसको. How many photons nearly approximately मांग रहा है per square meter?
मतलब n by area, ये मांग रहा है आपसे, आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड भी मांग रहा है आपसे. Assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of this. तो सबसे पहले आप पावर लिखोगे, पावर बाय एरिया इसको बोलते हैं फ्लक्स. ये खुद कह रहा है ना, वाट W means power upon area. The energy flux of sunlight reaching the surface of earth is this. ठीक है, तो पावर क्या होता है? पावर होता है नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है ना, ये हो गया फ्लक्स. फ्लक्स की वैल्यू गिवन है 1.388 इनटू 10 टू द पावर 3, ये गिवन है. अब n by t आपसे ये क्वांटिटी मांगी गई है आपसे, n a by t ये मांगी गई है आपसे, ये क्वांटिटी आपको चाहिए. इसको आप x नाम दे दो, x into e is equal to 1.388 into 10 to the power 3, ये आपको चाहिए. तो यहां से आपको एनर्जी आप फाइंड कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर वेवलेंथ तो गिवन है, वेवलेंथ गिवन है और x हमको फाइंड करनी है. ये लिखेंगे hc by lambda, lambda कितना है 550 नैनोमीटर, 550 into 10 to the power minus 9, 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3, ये. अब h पता है, c पता है, मल्टीप्लाई करो, फाइंड करो, इसमें क्या है? इतना हिंट आपको मिल गया तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते. x क्या था, n a t, यही सब था, यही तो मेरे को चाहिए ना. इस पूरी क्वांटिटी को हम उठा के राइट साइड ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, 550 इंटू 1.388 को 1.4 ले लो, इंटू 10 टू पावर माइनस 9 और 10 टू पावर 3, 10 टू पावर माइनस 6 मिल गया. डिवाइड बाय कर दोगे एच सी, और एच सी की वैल्यू हमारे को मालूम है. एच सी की वैल्यू आपको दिख रहा है ना, बहुत बॉटम में चला गया हमें, हाँ ठीक है. एच सी की वैल्यू हमारे को मालूम है, राइट. एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.634 10 टू पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, आप करो. ठीक है बच्चों, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं.